हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, किसी इमेज को क्रॉप करके उस एक पर्टिकुलर एरिया को कैसे सेव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक इमेज है ये, और हमारे को चाहिए फोटोशॉप। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे, फाइल पर जाएंगे और ओपन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखिए एक फोटो सेव है, फोटो डॉट जे पी जी नाम से। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ऊपर वाला पोर्शन लेना है, तो ताकि हम प्रोफाइल पिक्चर लगा सकें, या कोई और यूज़ भी हो सकता है, चाहे आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना हो, या आप पूरी इमेज नहीं रखना चाहते, एक पर्टिकुलर पार्ट ही रखना चाहते हैं, तो ये क्रॉप टूल बहुत काम आता है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, क्रॉप ऑप्शन पे जाएंगे। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉप टूल का क्या काम होता है और कहाँ वो मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे देखें। चलिए, तो हम जाएंगे क्रॉप टूल पे, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे लेफ्ट क्लिक करके, और अपनी इमेज पे जाके हम एक ये ड्रॉ करेंगे लाइन, जितना क्रॉप करना है। अब मान लीजिए हम इतना क्रॉप करना है, तो इतने पर लाकर छोड़ देंगे। आपने देखा ये उस एरिया को हाईलाइट कर रहा है जो हमें क्रॉप करना है। अब हम उसको क्रॉप करने के लिए, देखिए ये रेक्टेंगल टूल दिख रहा है आपको, सेकंड में रेक्टेंगुलर मार्क यू टूल, उस पर क्लिक कर देंगे। और फिर ये आपसे पूछेगा क्रॉप द इमेज, क्या हम सेलेक्टेड एरिया को क्रॉप कर दें, तो आप क्रॉप पे जाके लेफ्ट क्लिक क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो गई है, और अब आप इसको सेव कर सकते हैं। फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, और यहाँ पर लिखिए क्रॉप्ड वीडियो, सॉरी क्रॉप्ड फोटो। कुछ और नाम भी दे सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं आप यही नाम दें, फॉर्मेट आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखिए। मैंने नॉर्मल जेपीजी रखा है, ठीक है। डेस्कटॉप पे हम इसे सेव कर देंगे, लार्ज फाइल रखेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। ओके, अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे और जाके देखेंगे। देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, और जो हमने क्रॉप करके नई इमेज बनाई है वो ये रही। ये देखिए, हमने सिर्फ ऊपर का पार्ट क्रॉप कर लिया। ऐसे आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं कैसे करना है। मैं उन लोगों के लिए ये बना रहा हूँ वीडियोस। अगर आप जानते हैं तो आप बीच से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप में कुछ चीज़ें जानते हैं तो आप बेसिक्स को छोड़ सकते हैं और एडवांस्ड लेवल की चीज़ें सीख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।